ये कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल है। मतलब ये थ्री वे मिरर है, मतलब ऐसे तीन मिरर लग रखे, सॉरी थ्री वे मिरर नहीं है, थ्री वे मिरर तो कुछ होता भी नहीं है। लग तो ऐसा रहा जैसे कि कोई स्पेशल इफेक्ट हो, बट ना भाई ये नेचुरल है सारा। अभी तो बिल्कुल भी लैग नहीं है देखो। तुम लोगों ने कल का ब्लॉग देखा होगा तो तुम लोगों को दो फैक्ट जरूर याद होएंगे। पहला भी ये जो ये व्लॉग है उसी फ्रेम से शुरू हो रहा है, मतलब उसी जगह से शुरू हो रहा है जहां से कल का एंड हुआ था। एंड दूसरा भी ये व्लॉग अपने डेजिग्नेटेड दिन से एक दिन पहले शुरू हो रहा है और मेरे यहाँ पे इतना गंदा पिंपल हो गया, यहाँ पे गंदा सा। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 in the evening और अभी मैं किसी काम से पप्पा साथ मार्केट गया था, गलती मेरे से क्या हुई, मैं ये हेलमेट पहन गया। वह तो इनिशियली इतना गंदा हेलमेट नहीं है, बट जैसे इसमें पहने इसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही थी, मेरा सारा मूड खराब हुआ गया। और ये ब्लॉग को भी शुरू करने का कारण ये है भी अभी 8 बजे के करीब हमने जाना है जगराते पे, गुग्गा पीजी के जगराते पे हमारे किसी नोन ने रखवाया है। सो हाँ फिर वहां पे भी व्लॉग करेंगे अपन लोग। अब तो खैर मेरी हालत ऐसी होगी क्योंकि अगर तो तुम लोगों ने कल का व्लॉग ऑब्वियसली देखा होगा तो पता होगा कि मैं अभी जगाधरी से वापस ही आया हूँ 4 बजे के करीब। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। अब ज़्यादा पक पक ना करते हुए अब लोग फटफट चलते हैं, पानी पी के आते हैं क्योंकि मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है। थोड़ी देर आराम करते हैं फिर आराम से तैयार होंगे 7:30 के करीब, क्योंकि 8 बजे जाना है, निकलना है घर से। सो 8:30 बजे इज़ द राइट टाइम। अभी तो खैर 6 बज रहे हैं। वैसे तो ओवरऑल 6 से 8 बजने में अपने को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए, बट कहने में क्या आ जाता है कि पता ही नहीं चला भी ये 2 घंटे कैसे बीत गए। सही बात बताओ मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा लंबे 2 घंटे थे, क्योंकि हमें जाना था कहीं पे और जब भी कहीं जाना होता है ना और तुम्हें ऐसा वेट करना पड़े तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो ही जाता है। खैर अभी जो है फाइनली तीसरी बारी बता रहा हूँ, शाम के 8 बज चुके हैं। मैं तो खैर तैयार हो चुका एकदम बढ़िया तरीके से, बस अभी मम्मी पप्पा और दीदी की वेट है। मैं और पप्पा पुंडी पे जाएंगे, मम्मा दीदी एक्टिवा पे जाएंगे। जैसे वो लोग आते हैं फिर अपन लोग फटफट निकल लेते हैं, क्योंकि 8 बजे का टाइम था वैसे तो वहाँ पे, बट हाँ अपन लोग 8 बजे निकल रहे हैं। बाय एनी हाउ अपन लोग 8:15 तक पहुँच जाएंगे। और ट्रैपोर्ट को भी मैं घर पे ही छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ब्लॉग तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ थोड़े थोड़े शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ नीनू नीनू से। मेरे को तो लगा था बीच टाइम पे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती होगी, मतलब मौसम ठंडा सा हो जाता होगा क्योंकि रात में एसी बड़ा इफेक्ट करता है, बट ना भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी, पसीने छूट गए हम लोगों के, घंटे में ही एसी की तेजी फिर गई। खैर अभी जो है अपन लोगों ने माथा तो टेक लिया है और साथ में प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है। अभी तो वी आर हेडिंग बैक टू आवर हाउस। और पुंडी मैं अब इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि पप्पा और मम्मी एक्टर पे गए हैं, मैं और दीदी पुंडी पे है। सो हाँ ठीक है, फटफट अपन लोग घर पहुंचेंगे, फिर घर पहुंचते हैं फिर तभी तुम लोगों को मिलते हैं। अब देखो अब तुम्हें मेरी शक्ल दिख रही होगी चमकती हुई पसीने करके। खैर घर तो अपन लोग आ चुके हैं और घर आते सबसे पहला काम अपन लोगों ने एक अपनी पुंडी चार्जिंग पे लगाई, क्योंकि जब ये चार्ज नहीं होती है ना दिल को ना ऐसे दुख 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 होता है यार, पुंडी चार्ज नहीं है, पुंडी क्या करे क्या ना करे। बट भाई ओवरऑल जो मुझे को प्रसाद खा के मजा आ गया। अभी तो खैर मैंने बाहर की लाइटें भी साथ ही बंद कर दी क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बज ही चुके हैं, 9 भी कुछ 9:30 हो चुके हैं। अब का सीन कुछ इस प्रकार है, अभी व्लॉग कल का ही है तो इसको आराम से कल ही कंटिन्यू करेंगे, आज जितना शूट करना था कर लिया, अगर कुछ रात में यूनिक हो के दिखाने लायक हो गए तब कर लेंगे व्लॉग, अदरवाइज अब तुम लोगों को सीधा सुबह ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। यार मतलब कल रात को क्या मस्त नींद आई मेरे को, मैं सोच रहा था मेरे को पहले अच्छी नींद आती थी
बट भाई अब तो और भी ज्यादा बढ़िया मक्खन एकदम जैसे सपनों की दुनिया में खो गया, बड़े अजीब अजीब से सपने आए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आज सुबह जब मैं 5 बजे उठा रहा साइकिलिंग करने के लिए, हाँ मैं आज सुबह 5 बजे साइकिलिंग गया था, व्लॉग नहीं कर रहा था मैंने क्योंकि यार रोज रोज एक चीज दिखा के बोर नहीं करना चाहता। जब मैं उठा था ना सुबह 5 बजे तब भाई मैं बिल्कुल फ्रेश उठा था, नहीं तो जनरली मैं थोड़ा सा स्लगिश सा उठता हूँ भी, यार नहीं यार काम करना काम करना काम करना, बट आज मैं बिल्कुल फ्रेश उठा एकदम मक्खन की तरह। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9:15 इन द मॉर्निंग, तुम लोग आसपास का एनवायरनमेंट देख के समझ ही गए होगे एकदम बढ़िया सा हो रहा है। और सही बात बताऊं यार ना अंदर से काफी खुशी उमड़ रही है, जैसे पता नहीं आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा। खैर इस व्लॉग की तो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है कल रात के जगराते से, अभी तो खैर अपन लोग फटफट चलते हैं, दो काम निपटाते हैं, एक तो सबसे पहले अपने बाल सेट करते हैं और तौलिया सूखने डाल के आते हैं। हाँ मेरे तौलिया का कलर चेंज है क्योंकि मेरे को मेरे वाला तौलिया नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा तौलिया मैंने अपने रूम में रख रखा है जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, और आज वो इमरजेंसी थी। तो सबसे पहले ये दोनों काम निपटाते हैं फिर आराम से चल के अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ये कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल है, मतलब ये 3-way mirror है, मतलब ऐसे 3 mirror लग रखे, सॉरी 3-way mirror नहीं है, 3-way mirror तो कुछ होता भी नहीं है, ऐसे 3 mirror लग रखे हैं और ये तीनों और मेरे को मिला के ऐसा सा इफेक्ट बना रहे हैं। लगता है ऐसा रहा जैसे कि कोई स्पेशल इफेक्ट हो बट ना भाई ये नेचुरल है सारा, अभी तो बिल्कुल भी लैग नहीं है, देखो देखो ऐसे स्पेशल इफेक्ट भी नहीं होता। इस चैनल के पुराने व्यूअर हो तो तुम लोगों को दो बात पक्का पता होगी, पहला तो मैं बाल बढ़ा रहा हूँ, भले ही 1 घंटे पहले सेट कर रहे थे बट हाँ बाल बड़े होने करके दोबारा से खराब हो गए, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बाल बढ़ाना छोड़ दूँ, मतलब कटिंग करा लूँ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा आज का ब्रेकफास्ट, ये भी तुम लोग समझते हो तुम पुराने व्यूअर हो। खैर जिन जिनको नहीं पता, दिस हेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मक्खन, आधा घंटा मतलब किसी का बर्तन गया, आधा घंटा मतलब अदरक प्याज और मिर्च का पेस्ट टाइप होता है, मतलब सॉलिड क्यूब्स होते हैं इनके छोटे छोटे से, जैसे पनीर कद्दूकस नहीं करते आपको दो समझ लो, और इसमें नमक भी है और क्या कहते हैं उसको ऑरेगनो भी है। मतलब अगर हमारे घर पे कुछ बढ़िया खाने को नहीं होता ना या मम्मी का कुछ बनाने का मन नहीं करता तो अपन लोग ये खाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यम्मी भी होता है और काफी लाइट भी होता है, सब इसमें फैट के नाम पे बटर होता है जो कि ठीक है टॉलरेबल है, जिस हिसाब को हम फैट कंज्यूम करते हैं पंजाबी उसके लिए तो बहुत कम है। खैर अभी तो थोड़ी देर में मेरे को थोड़ा सा काम करना है अपने कॉलेज का, तो फटफट इसको खत्म करता हूँ, अपने कॉलेज का काम है वो निपटाता हूँ, फिर तुम लोगों को आराम से नेक्स्ट फ्रेम में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। यार देखो मेरी लाइफ में ना व्लॉग मेरी फर्स्ट नहीं तो थर्ड मोस्ट प्रायोरिटी तो है ही है, मतलब मेरे को काफी अच्छा लगता है व्लॉग करना, तभी 600 दिनों से व्लॉग कर पा रहा हूँ मैं, वो भी कंटिन्यूसली। बट भाई जब काम होता है ना तब व्लॉग का पता ही नहीं लगता, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट लास्ट शॉट को लिए हुए 6 घंटे हो गए, यस इट्स ऑलमोस्ट 6:43 इन द इवनिंग, और अभी जो मैं तो सोचा था व्लॉग एंड कर लूंगा बट मैंने कहा नहीं यार अभी मम्मी बड़ी स्पेशल चीज बना रही है। जनरली जब भी अपन लोग नूडल्स वगैरह लेने जाते हैं तो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ नूडल्स होते हैं, चिली गार्लिक नूडल्स। वैसे तो हमारे घर पर नूडल्स पड़े हुए हैं, तुम लोगों को भी दिखा दूंगा, बट भाई मम्मी के दिमाग में खुराफ आते हैं कि चिली गार्लिक फ्राइड राइस बनाते हैं। अब आई हैव नो आइडिया वो कैसे बनेंगे, होप सो अच्छे बनेंगे। सो हाँ फिर मैंने सोचा कि वो तो ब्लॉग में दिखा के ब्लॉग एंड करूंगा, अब तो खैर थोड़ा सा टाइम है उनमें, तब तक अपन लोग नूडल्स दिखा लाते हैं तुम लोगों को कि हमारे कितने पैकेट नूडल्स पड़े हुए हैं घर पे, क्योंकि वो भी काफी अच्छी क्वांटिटी में, काफी यूनिक सी चीज है वो। उसके बाद नहाने चलते हैं फिर फ्राइड राइस बनाने का प्रोसेस दिखाते हैं तुम लोगों को। ये देखो ये है नूडल्स के पैकेट, 1-2 मेरे हिसाब से होने तो 3 चाहिए, पता नहीं थर्ड का वो रहा, थर्ड देखो ऊपर पड़ा हुआ। ये देखो इनकी खास बात पता है क्या, इनके साथ ये सॉसेज अलग अलग प्रकार की और अजीनोमोटो भी दे रखा है मेरे हिसाब से, इस वाले के साथ तो नहीं बट हाँ इस वाले के साथ तो पक्का है मैंने। ये देखो यहाँ पे तुम हल्का सा देख पा रहे होगे,
ये हल्का सा मिश्री टाइप का। फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो ये अजीनोमोटो है। अभी तो खैर ये नहीं बन रहे, चिली गार्लिक फ्राइड राइस बन रहे, तो हाँ इनको अपन लोग चुपचाप एज इट इज रख देते हैं, इनको जिस दिन बनाएंगे उसी दिन ही बनाएंगे, अभी तो खोलने का कोई फायदा नहीं। अभी तो खैर अपन लोग फटफट चलते हैं, चल के नहाना धोना निपटा के लाते हैं। सब मतलब अभी तो सिर्फ हल्के से टेस्टी कर रहे हैं, तब इतने स्वाद लग रहे हैं, जब पूरे प्लेट भर के वो भी दही के साथ खाएंगे। वैसे तो दही के साथ पुलाव या बिरयानी चलते, बट हाँ हम ये भी खा लेंगे, चॉपस्टिक से खाएंगे इनको। हाँ सही, प्रॉपर चाइनीज फ्लेवर लेंगे। और ये क्या पता नहीं भाई हमारे किचन में क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या नहीं। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 7:15 इन द इवनिंग, और हाँ आधे घंटे में हमारा नहा धोना भी हो गया, हमारे चिली गार्लिक फ्राइड राइस भी बन गए। वैसे तो इनको फ्राइड राइस ही कंसीडर करेंगे, चिली गार्लिक फ्राइड राइस बहुत बड़ा नाम हो जाता है। सो अब हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं बचा, तुम लोगों के पास देखने को कुछ नहीं बचा, तो इसी नोट पे करते हैं आज वीडियो को एंड। होप करता हूं तुम लोगों को आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एकदम जी निकले एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।